हेलो गाइस, वेलकम टू महादेव एडिट चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो गाइस, आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए किस टॉपिक पे हमारी वीडियो होने वाली है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को फुल देखना तभी आपको पता लगेगा कि वीडियो किस तरह बनाना है, इस वीडियो में क्या है, कितने खिलौनों से खेला है, तो मतलब म्यूज़िक है उस पर बीट के अकॉर्डिंग हमारी फोटो आती वीडियो आती है, इसको कैसे बनाना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो बनाने के लिए हम वी एन एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन। जब लोग डाउनलोड कर लोगे तब आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिया होता है। सिंपल आपने हमें प्लस आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और उसके बाद आपने अपनी एक वीडियो लेनी है जिसमें आपको जिसको आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे वो वीडियो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो आपको जितना वीडियो चाहिए आपने उतना वीडियो रखना है, बाकी का वीडियो आपको डिलीट कर देना है। तो मैं इतनी वीडियो रखूँगा और बाकी की वीडियो डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पे लास्ट में एक बैकग्राउंड ऐड देता है, इसका भी कोई रोल नहीं होता हमारी वीडियो में, इसको भी हम सिंपल यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं ये वीडियो आ चुकी है। अब हम इस वीडियो की लेंथ मतलब 10 पॉइंट तक कर देंगे, 10 सेकंड तक कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम स्लो मोशन में कर देते हैं। तो अगर आप भी अपना वीडियो स्लो करना चाहते हो तो यहाँ से स्लो कर सकते हो। देखते हैं, यहाँ पे मैंने स्लो कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो स्लो हो चुकी है। अब बारी आती है म्यूज़िक की। तो यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, म्यूज़िक वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ये म्यूज़िक चूज़ कर लेंगे। तो देखते हैं, मैंने म्यूज़िक पे बीट जो हमारी म्यूज़िक उस पर मैंने बीट्स लगाए हुए हैं, बीट्स के मार्क किए हुए हैं। तो वो कैसे किए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल हम बीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे, बीट वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखते हैं बीट लगा हुआ है। तो हमने जहाँ पे हमने पहले जहाँ पे हमें बीट का मतलब पता लगेगा बीट कहाँ पे है वहाँ पे हमने इसे टैप कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको सब डिलीट करके दिखाता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। आप चाहे प्ले करके भी लगा सकते हो, चाहे बिना प्ले किए भी लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको बीट लगाना है वहाँ पे अपने फ्लैग वाला ऑप्शन दबा देना है, फ्लैग वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जहाँ पर उठा उठा सा लग रहा है ना हमारा म्यूज़िक, वहाँ पर हमने अपने बीट को मार्क करना है। तो यहाँ पे जब सब हो जाएगा तो यहाँ पे हमने 13 बीट्स लगाए हैं और यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओके पे। तो इसका हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा बीट है वहाँ पे हम कट करेंगे। सिंपल बीट पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट का ऑप्शन जो है दबा देंगे, जो ट्रिम वाला ऑप्शन है। तो यही हमने सब क्लिप पे करना है, जहाँ जहाँ हमने मार्क लगाया वहाँ पर हमने सब पे यहाँ पर अपनी वीडियो को ट्रिम करना है, क्योंकि हमें अपनी सारी वीडियो पे इफेक्ट लगाना है। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे फटाफट हम जो अपनी है म्यूज़िक की बीट वहाँ पे हम उसको कट कर लेते हैं। तो आपने भी पहले मार्क करना है बीट और उसके बाद आपको कट करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे अपना लास्ट म्यूज़िक होगा, लास्ट म्यूज़िक का पॉइंट होगा, वहाँ पर हमने रख के वीडियो को कट करना है और बाकी का पार्ट डिलीट कर देना है। देख सकते हैं ये हो चुका है। तो अब क्या करना है, जो हमारा पहले हिस्से वाला है ना उसको हमने ब्लैक एंड वाइट में कर देना है। तो यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर मिले हैं, तो फिल्टर भी कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आपने एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर ये सिचुएशन वाला जो है ये कम कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, देख सकते हैं ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी पहली वाली जो हमारी पहली वाली जो वीडियो है जो बीट वाली होती है जो फर्स्ट के बाद सेकंड है उस पर क्लिक करके हमने यहाँ पे एफएक्स में जाना है और यहाँ पे हमने ये वाला इफेक्ट लेना है, ये वाला इफेक्ट लेना है। इसको हमने 20 पिक्सल पर रखना है और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये सब पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में हम और भी इफेक्ट लगाएंगे बट मैं यहाँ पे बट मोस्ट हम यही यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जो चौथा पांचवी हमारी क्लिप आती है वहाँ पे हमने एफएक्स में जाना है और ये वाइट कलर लगा देंगे। अब हम आगे प्ले कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम जाएंगे, फिर यहाँ पे वाइट कलर लगाएंगे। तो वही सेकंड लास्ट वाले में भी सेम वही इफेक्ट लगा देंगे। तो हम सेकंड वाले लास्ट पे लगाए हैं और यहाँ से फाइव वीडियो पे लगाए हैं, पांचवी वीडियो पे इस वाली पे
और यहाँ पे 9 वीडियो लगाई, ये वाला इफेक्ट। इसे क्या होता है, म्यूजिक चेंज होता है। यहाँ पे आपको मैं प्ले करके दोबारा दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो हमारी फर्स्ट वीडियो में भी लग गया, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो एकदम अच्छे से बन गई है, एकदम अच्छा लग रहा है जो हमारा बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है। जब आपकी वीडियो एकदम अच्छे से एडिट हो जाएगी, तब यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 720 वाले पिक्सल पे आपने वीडियो एक्सपोर्ट करना है, ताकि आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी रहे। तो यहाँ पे 100% प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आपकी वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो में कोई इशू या प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें विद स्क्रीनशॉट के आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।